लेते हैं कि मिश्रा जी कैसे याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, और जैसे अभी प्रवीण जी ने भी कहा कि 50 की उम्र में पहली दफा मुख्यमंत्री बने और अपनी पार्टी के गठन से बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप याद करने बैठेंगे तो ढेरों ऐसी कहानियां मुलायम सिंह यादव के बारे में निकल आएंगी जिनसे आपको समझ में आएगा कि क्या व्यक्तित्व था। और इससे भी समझ में आता है कि कोई पार्टी नहीं छूटी है अभी आज, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बहुत सारे राजनेताओं का निधन देखा है जिनमें से कहीं ना कहीं कोई सियासी विरोधी ऐसा निकल आता है जो शामिल नहीं होता, या तो अंतिम संस्कार में या फिर किसी ना किसी तरह की टिप्पणी ऐसी आ जाती है। लेकिन मैंने आज सुबह से अभी तक जितना ट्रैक किया इस चीज को, सभी लोगों ने बहुत नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, हमारे देश की ये गरिमामय परंपरा रही है कि मृत्यु के बाद कोई वैर भाव नहीं रहता है। ये खुद राम ने बोला है रावण की मृत्यु पे, मृत्यु के साथ ही उसके सारे अच्छे बुरे चीजों का पटाक्षेप हो जाता है क्योंकि वो प्रभु में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो मेरी भी प्रभु से सबसे पहले ये कामना है, बाकी तो दुनियादारी है आगे की डिबेट में, कामना यही है कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो है विष्णु लोक में स्थान दे। दो चीज़ें हैं मैम अगर नेताजी की पर्सनालिटी का करें, हालांकि मैं कभी मिला नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो उनसे मिलते थे वो बहुत सारी निजी चीज़ें उनकी बताते थे, उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है। राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एक अपना पदार्पण किया, अपना एक मुकाम बनाया, वो बताता है कि मानव पौरुष की पराकाष्ठा अगर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बड़ी पुरानी तस्वीर हमने देखी थी, खपड़ैल के दो कमरे वाला मकान था, उनकी वाइफ थी, उनकी धर्मपत्नी थी और साइकिल निकाल के ये जा रहे थे, शायद ये संघर्ष के दिनों की शुरुआत के दिनों की तस्वीर थी। हाँ, खुद ये जाते थे। तो ये बताता है कि जो हम लोग बोलते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्धंती कारणी न च मनोरथे, जब किसी दूसरी पार्टी का बाहुल्य था, दबदबा था वहां पे। दूसरी सबसे बड़ी मुझे पसंद आती है कि एक उन्होंने बड़ा खास काम किया, लोहिया जी की जो आइडियोलॉजी थी वो प्रिंसिपल बेस्ड थी, ठीक है आंदोलन हुए ये हुए, लेकिन उस प्रिंसिपल को जमीन पे अगर कोई इंप्लीमेंट कर पाया तो सरकार बना करके वो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, ये लोहिया को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है कितना सक्सेस हुआ क्या हुआ सारी चीजें। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि व्यक्तिगत या राजनीतिक विद्वेष भले ही रहा हो, ये मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग जो उनके बहुत करीबी थे, कि नेताजी के यहाँ अगर कोई भी गया, किसी भी जाति का, धर्म का, अमीर गरीब, कोई भी अगर जायज मदद के लिए गया है तो वो खाली हाथ नहीं लौटा है, वहां पूछा नहीं गया है कि तुम हमारे पार्टी के हो दूसरे, ये व्यक्तिगत व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन नेताजी की जो विशेष उपलब्धि रही है वो एक व्यक्तिगत से उठ करके जब वो राजनीतिक जीवन में, जहां उनको पूरे समाज को देखना है, वहां पे डेफिनेटली दो तीन चीजें जो मैंने अपने आंखों से देखी वो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। आज वो बोलने का मौका नहीं है, एक राम जन्मभूमि के टाइम पे जब गोलियां चली थी, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर कोई धरती पुत्र है तो वो अपनी ही धरती पे जो है खून की नदियां नहीं बहाएगा, ये मान के चलिए। स्वयं कहा, क्योंकि आपने स्वयं दो तीन चीजें कही है कि मिश्रा जी, पहली चीज तो ये कि आज वो मौका नहीं है, और दूसरी चीज ये कि मृत्यु जो होती है वो तमाम आलोचनाओं का पटाक्षेप होती है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। युवा कुछ यहाँ पर छात्र राजनीति से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के कुछ युवा भी हैं, एक चीज ये बताइए, हम लोग मुलायम सिंह जी को अलग अलग तरीके से याद करते हैं, आप लोग मुलायम सिंह जी को किस रूप में याद करते हैं? बच्चों से गलती हो जाती है उस रूप में, या फिर जो है एक यूथ के मोटिवेटर के तौर पर?